तो आईफल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा अब करेक्शन इक्के दुक्के पॉकेट्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंकिंग स्पेस एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सर बताइए, आज आपकी नजर कहाँ है, बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही है? हाँ, गुड आफ्टरनून नेहा जी। तो देखिए, ऑटो के नंबर्स और ऑटो के जो एमएनएस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो बहुत, जो आपके आपके जो ऑटो की जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है एनबीएफसी, और उसमें एमएनएम फाइनेंस देखिए 14% अप है। साथ में चोला के रिजल्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के रिजल्ट, तो कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा बैंक लीजिए जो लेंडिंग में है, द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इज इंडसइंड बैंक, 1145.50 में लीजिए, 1120 का स्टॉप लॉस, 1250 का टारगेट। एंड ये सबसे बड़ा गेनर होएगा ऑफ दिस ऑटो लोन, यू नो इतनी सर्ज मैंने देखी। दूसरा पिक मिड कैप में एलएनटी फाइनेंस। एलएनटी फाइनेंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स इन द टू व्हीलर मार्केट, और टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर, और वहां पे अब जो रुझान गया क्योंकि रूरल इनकम्स आर डूइंग वेल, मुझे लगता है एलएनटी फाइनेंस की री रेटिंग होगी। 90 का टारगेट है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस 82 में लीजिए। और तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईआरसीटीसी ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, द नंबर्स विल दिस क्वार्टर विल बी फंटास्टिक बिकॉज रेल ट्रैवल एंड रेल केटरिंग इज डूइंग द बेस्ट बिजनेस एवर। 742-743 में लीजिए, 728 का स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो। जी सर, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं कर दिया है ना, तीनों का आपको पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच सर। एज यूजुअल आपकी तरफ से बेहतरीन पिक्स निकल कर आई हैं। फटाफट सर ने जो स्ट्रेटजीज शेयर की हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इंडसइंड बैंक 1150 से 1200 का टारगेट बन रहा है, 1120 का स्टॉप लॉस लगाए। एलएनटी फाइनेंस में 90 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह। एंड आईआरसीटीसी, उस पर सर पहले भी भरोसा जता चुके हैं, 790 तक इसे ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, खरीदारी करके चलिए 742-743 के पास, और 728 तक का स्टॉप लॉस यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है।